एजेंडा के पांच सवाल है। पहला सवाल है कि सरकार ने अध्यादेश लाने में इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई। दूसरा सवाल, क्या कुछ खास नेताओं को बचाने की फिराक में है सरकार। तीसरा सवाल, दागियों के लिए संसद के दरवाजे बंद करने से क्यों बच रही है सरकार। चौथा सवाल, आखिर राजनीतिक दलों में इस मामले में आम सहमति क्यों बन गई है। आखिरी सवाल, क्या इस अध्यादेश का हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर दूरगामी असर होगा। क्या जो बार बार सरकारें कहती हैं कि राजनीति के अपराधीकरण को दूर करना चाहती हैं, क्या उस पर गंभीर सवाल नहीं लग रहे हैं। जाहिर है अध्यादेश लाने के बाद सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं और हमारा एजेंडा साफ है, सियासत से दूर हो दागी। बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के नेता मीम अफजल, बीजेपी के सुधांशु मित्तल, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड सतबीर सिंह। संजय जी, जिस तरीके से ये सरकार का फैसला अध्यादेश लाने का है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं। आशुतोष जी, ये हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए काला अध्यादेश है जो सरकार लेके आई है। अब इस सरकार का नारा भारत हो रहा भारत निर्माण जो था, उसका अब नारा बदल जाना चाहिए, अपराध करो, राज करो, भारत का निर्माण करो। अब इस देश में कोई बलात्कार करने वाला, हत्या करने वाला, लूट करने वाला, चोरी करने वाला पार्लियामेंट में पहुंचे भी और अगर उसको सजा भी हो जाए तब भी वो देश का माननीय सांसद रहेगा। इस बिल के अंदर आपने कहा कि उसको वोटिंग राइट और तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी सांसद निधि नहीं जाएगी, उसके सांसद होने का औहदा और जो उसकी प्रोटोकॉल है वो खत्म नहीं हो रहा है जी। और वो पार्लियामेंट के अंदर जाके चर्चा करेगा, बहस करेगा, हर मुद्दे पे अपनी बात रखेगा, अपनी राय रखेगा। मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र के लिए आज का दिन बहुत ही शर्मसार करने वाला है। ये काला अध्यादेश है जो सरकार लेके आई है। बिल्कुल मेजर जनरल सतबीर सिंह जी, क्या आप भी संजय सिंह की राय से इत्तफाक रखते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक रखता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। अरे, एक जो आम आदमी है वो इंसाफ लेने के लिए, ये जो हुक्मरान है, ये हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो हमारे लॉ बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, देश की डेमोक्रेसी को बहाल करते हैं, अच्छा रखते हैं, चलाते हैं। क्या ऐसी गवर्नेंस ये लोग कौन सा ऐसा एक्ट बनाएंगे जो इंसाफ देने वाला है, जहां बेटियां एक सिटीजन होने के नाते, सीनियर सिटीजन होने के नाते, अभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं? क्या हमारे जो लॉ मेकर्स हैं वो ऐसे लॉ ब्रेकर्स हैं कि जल्दबाजी में कोई डिस्कशन के बगैर जब एक उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया उसके बरखिलाफ जा रहे हैं सारे मिली भक्त बनकर? मेरे ख्याल से ये देश के लिए ही एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक बहुत ब्लैक डे कहा जा सकता है जो आज किया है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं ब्लैक डे कहा जा सकता है, इसी तरीके से संजय सिंह कह रहे हैं, शर्मा सिंह। बट मीम अफजल साहब, आपने दो लोगों की राय को सुना, क्या आपको लगता है कि सरकार ने किसी तरीके की गलती की है इस तरीके का फैसला करके कि भाई अगर जिनको अदालत ने अपराधी साबित कर दिया, 2 साल से ज्यादा की सजा दे दी, उनकी संसद में मौजूदगी की जरूरत क्या है, क्यों वो संसद के अंदर आए? देखिए, पहली बात तो मैं यहां ये कहूंगा आपसे जी कि अदालत का काम कानून बनाना नहीं है, अदालत का काम सिर्फ इंसाफ देना है। अगर कोई नाइंसाफी हुई है तो अदालत को चाहिए कि उसको सुनकर कर उस पर इंसाफ करे। ये एक तरह से जो बना हुआ कानून है उसके अंदर मैं इसको अदालत की तरफ से अपनी तरफ से एक नया कानून मानता हूं जो उसने बनाने की कोशिश की है। पार्लियामेंट और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तीनों के कुछ इख्तियारात हैं। ये मामला किसी को बचाने का या किसी को फंसाने का नहीं है, बल्कि ये जो हुकूमत को चलाने के तीन बड़े एक तरह से कहना चाहिए पिलर्स हैं, उनके अपने इख्तियारात का मामला है। और उन इख्तियारात में अगर हस्तक्षेप महसूस करती है पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट को यह हक होना चाहिए कि वो उसको कर सके। आप एक संवैधानिक मसला लोकसभा में हुई, आप संवैधानिक मसला उठा रहे हैं, मैं आपसे की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आप संवैधानिक मसला उठा रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ इसका मतलब तो ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को 2G के मसले पर भी कुछ फैसला करने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया कि वो दूसरे मसलों पर भी कोयले घोटाले बोलने का भी उसको अधिकार नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं ना, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा, आपके कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी ये हैसियत है तो उसमें अपना
लेकिन एक तरह से जो मौजूदा कानून बने हुए हैं, देखिए करप्शन का मामला अलग है, मौजूदा कानून बना हुआ है, अगर वो उससे मुतासिर होता है आप, तो आप, सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो उस पर बात करे, और सुप्रीम कोर्ट को फिर उसके बाद पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि उसका मंथन करे और ये देखे कि लेजिस्लेचर के जो इख्तियार आते हैं उनको वापस अपनी जगह लाया जाए, अगर कमी हो तो उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करके, ये पार्लियामेंट को कहना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था, पार्लियामेंट को इस लॉ में तब्दीली करना चाहिए। भी मतलब साहब आपके कहने का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दो फैसले किए वो फैसले करके गलती की, संविधान का उल्लंघन किया, संसदीय लोकतंत्र का, नहीं कह रहा हूं। एक मिनट, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मेरे सवाल के जवाब दीजिए, समझ लीजिए, मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं, नहीं नहीं नहीं, एक पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं, भी मतलब साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, केस के अंदर आप शाहबानों के केस के अंदर आपकी जो भाषा है नीचे से आए हुए फैसला दिया, आपकी भाषा के अंदर वो दम्भ वो अहंकार नजर आ रहा है जहां आप सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे रहे हैं, तुम अपनी सीमा को लांग रहे हो, तुम संविधान की किताब हिसाब से बिल्कुल उसको तोड़ रहे हो, नहीं बिल्कुल, लेकिन नहीं नहीं आपकी भाषा यही कह रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इख्तियार दिए हैं कानून बनाने वाले इदारे को जो इख्तियार दिए हैं, फैसला करने वाले जी, आपकी जो भाषा है आपकी भाषा दरअसल सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे रही है कि तुम सुप्रीम कोर्ट अपने औकात में रहो, नसीहत नहीं दे रही है आपकी भाषा, यही कह रही है आपकी भाषा, यही कह रही है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप मेरे मुंह में कुछ चीज डाल रहे हैं डालने की बात नहीं करता, आपकी भाषा बिल्कुल यही बात कह रही है, आपकी भाषा यही बात कह रही है, बिल्कुल नहीं कह रही मेरी ये भाषा, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरी ये भाषा बिल्कुल नहीं कह रही, मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता, नहीं मैं बट और मैं आपकी बात मानने से इनकार करता हूं, आप यही बात कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट ने दो, सुप्रीम कोर्ट ने दो फैसले दिए, रखना एक मिनट, किसी को चैलेंज करना नहीं हो सकता, मैंने बहुत निम्रता के साथ एक बात रखी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, मैं जितना आपकी पार्लियामेंट अगर ये महसूस करती है और ये कोई नई बात नहीं है, माजी के अंदर अब शाहबानों वाले केस मेरे सवाल का जवाब, शाहबानों के केस में कितना बड़ा, मैं तो आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप चाहें कि मैं आपके मुताबिक जवाब दे दूँ ये जरूरी तो नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने पार्लियामेंट, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने दो फैसले दिए, पहला फैसला उन्हें दिया कि अगर दो साल से ज्यादा का कन्विक्शन होता है तो उसकी सदस्यता फौरन रद्द हो जानी चाहिए, दूसरा फैसला ये दिया कि जेल के अंदर से कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये दो फैसले देकर गलती की? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आशुतोष जी, मुझे तो आपसे बात पूछनी है, अदालत ने सवाल पूछा, तो फिर तो फिर क्यों पलटा गया इन फैसलों को? क्या ये कानून है कि अगर कोई शख्स दो साल से ज्यादा कैद में रहे सुप्रीम उसको सजा हो जाए, क्या कानून के तहत इंडियन पीनल कोड के तहत उसकी सदस्यता जा सकती थी? सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने अगर तय किया, लेकिन आप मुझे बताइए, आप संविधान की नहीं व्याख्या कर रहे हैं, शाहबानों के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और बुरा मत मानिएगा, आप संविधान की एक नई व्याख्या कर रहे हैं, कानून पास किया, आप संविधान की बिल्कुल नई व्याख्या कर रहे हैं जो हमारे समझ के परे, हमारे समझ के बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सुधांशु बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सुधांशु मुझे संविधान का ज्ञान है, नहीं नहीं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, नहीं नहीं आप, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आम आदमी को अगर दो साल की सजा हो जाए तो उसको चुनाव लड़ने का हक नहीं है, एमपी को क्यों मिलना चाहिए, उसमें एक संजय जी कंपार्टमेंटलाइजेशन है, संजय जी आप बोलिए, उसका ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, संजय जी मैं ये कह रहा हूँ कि एक आम आदमी को अगर दो साल से ज्यादा की सजा हो जाए तो वो चुनाव लड़ने का हकदार नहीं है, एमपी एमएलए के लिए आपने अलग से नियम बना दिया कि साहब अगर उसको दो साल की सजा हो जाए, दस साल की सजा हो जाए, वो उसको न्यायालय से पीड़ित को इंसाफ मिल जाए जिसमें एमपी एमएलए दोषी साबित हो जाए, उसके बावजूद वो एमपी एमएलए रहेगा, ये आप देश के कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, देश के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, काला अध्यादेश बनाया आप लोगों ने, शर्म आती है इस तरह के कानून बनाते हैं, कैसे हमारी सरकार बना रही है, बहुत कहां जाएगी जनता, किसके पास इंसाफ मिलेगा, अपराधियों के पास जो पार्लियामेंट और असेंबली इसके अंदर बैठेंगे, सुधांशु मित्तल साहब, सुधांशु मित्तल साहब, बीजेपी बीजेपी बराबर की शरीक, सुधांशु मित्तल, सुधांशु मित्तल, संजय सिंह साहब
हिंदुस्तान की पूरी पार्लियामेंट अपराधी है। आप उसको साबित कर रहे हैं, आप इस कानून को बनाकर उसको साबित कर रहे हैं। आपने साबित कर दिया कि लालू यादव को 30 सितंबर को चारा घोटाले में जो फैसला होगा 30 सितंबर को, उसके पहले आपने लालू यादव को ये हक दे दिया कि उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। आप रशीद मसूद को आपने हक दे दिया, कुछ लेना देना नहीं है। आप इस देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कानून हो रहा था, बारे में कुछ नहीं आया था। एक मिनट संजय जी, सुधांशु जी प्लीज आप बोलिए। मैं जब ये चुप होंगे तो बोलूंगा ना। मैं प्लीज आप बोलिए सुधांशु जी। आशुतोष जी हम लोग विषय को क्या चर्चा कर रहे हैं? समस्या कुछ और है, हम लोग कहीं भटक रहे हैं इस विषय पे। देखिए विषय क्या है, विषय ये है कि राजनीति में अपराधीकरण को रोकना कैसे है, ये विषय है। थोड़ा जो यहाँ कहा जा रहा है उसमें तथ्य जो है साफ नहीं लाए जा रहे हैं। आपने कहा एक आदमी जो कन्विक्टेड है उसको जो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, ये सही नहीं कह रहे हैं आप। एक लोअर कोर्ट से कन्विक्टेड और एक कन्विक्टेड में बहुत फर्क होता है। किसी को एक लोअर कोर्ट ने सजा दी, उसके बाद उसकी सजा पे रोक लग गई। इस देश का कानून ये कहता है कि इंसान जो है जब तक इनोसेंट माना जाएगा जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए, और गिल्टी उसका होता है कि अगर किसी कोर्ट ने उसकी सजा पे स्टे नहीं करा है तो वो गिल्टी रहेगा। अगर स्टे कर दिया तो वो जो है सजा रुक जाती है, तब वो गिल्टी नहीं माना जाता है, उसको चांस है अपने खिलाफ जो चीज है उसको सामने रखने का। ये विषय क्या है, ठीक है? विषय ये है कि आदमी जिसे एक मैं खत्म कर लूं फिर करेगा। विषय ये है कि एक व्यक्ति जो चुना हुआ है जिस दिन वो गिल्टी करार हो जाए कानून में तो उसकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, वो तो है ना, वो कानून है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या उसकी सदस्यता उस दिन खत्म कर दी जाए जिस दिन उसको लोअर कोर्ट ने गिल्टी होल्ड कर लिया। इसका मतलब ही देखिए कोई भी हम लोग भावावेश में आके व्यवस्थाओं को बनाते समय हमें दूरगामी चिंतन रखना चाहिए। वो एक बड़ा अच्छा शेर है, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। सुधांशु जी हम क्या कानून बनाने वाले हैं, उसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले, इनको सब सोच। मेरे दो सवाल, इसमें भावना तो नहीं। सुधांशु जी मेरे दो सवाल। एक आदमी को सजा लोअर कोर्ट ने सुनाई, मैं आपकी बात समझ गया, खत्म कर दूं फिर करिए। लोअर कोर्ट ने एक आदमी को सजा सुनाई, एक एमपी को या किसी को सुनाई, और 15 दिन बाद उसने अपील करके हाई कोर्ट ने उसकी अपील पे उस सजा पे रोक लगा दी। क्या होना चाहिए, क्या ये होना चाहिए कि उसकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए? इसलिए सुनिए और सुनिए, अगर अपराधीकरण को रोकना है तो उसके तरीके ज्यादा सशक्त तरीके और हैं, सुधांशु जी, न्यायिक हैं। सुधांशु जी जैसे आप हाई कोर्ट में उसकी अपील को एडमिट ना करिए, आप उसको डिस्पोज करिए सीधे ही। 15 दिन बाद जब वो हाई कोर्ट में आता है आप उसकी अपील को डिस्पोज करिए। सुप्रीम कोर्ट में जाता है आप उसकी अपील को डिस्पोज करिए। मैं आपको ऐसे ऐसे किस्से सुनाता हूँ। सुधांशु जी आपने जो किस्से सुनाया वो समझ गया। आप मेरा सवाल जरा सुन लीजिए। मेरा सवाल इस बात 2002 की कन्विक्शन 2004 में सुप्रीम कोर्ट में और आज सुधांशु जी चल रही है, किसने कहा 10 साल उसको न्याय न करिए? सुधांशु जी सुधांशु जी एक मिनट जरा मेरा सवाल सुन लीजिए। सजा याफ्ता को खत्म सुधांशु जी मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या नैतिकता का तकाजा ये नहीं है कि जो लोगों को कानून बनाने की जिम्मेदारी है, जो लोगों के जनप्रतिनिधि बनते हैं, वो उनके लिए कानून दूसरे तरीके से क्यों नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें समाज के अंदर नए मानदंड क्यों नहीं स्थापित करने चाहिए? आज की तारीख के अंदर हर सांसद जो अपराधी है या दागी है उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको सजा देने के लिए तैयार नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको सजा देने के लिए तैयार नहीं। मेरा आपसे सवाल इस बात को लेकर यह है, मेरा सवाल जो मीम अफजल साहब यह है कि भाई अगर ये गंभीर सवाल है तो इस पर संसद के अंदर लंबी बहस क्यों नहीं होती? इस पे जल्दबाजी में अध्यादेश लाने की जल्दी क्या है? क्यों नहीं बहस होनी चाहिए इस पर? क्यों अध्यादेश? आशुतोष जी जी ये बात आप सही कह रहे हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए और इस पर बहस करने की पूरा टाइम कोशिश की गई, लेकिन देखिए कोई भी अगर फैसला आता है तो उसके दूरस्थ नतीजे निकलते हैं और वो नतीजे कभी कभी बहुत खराब होते हैं। इस दौरान में अगर इस पर अध्यादेश नहीं आता तो बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हो सकते थे और वो इंसाफ के तकाजों के शायद खिलाफ होता। मैंने अभी एक बात कही, मैंने पहली बात आपसे कही थी
कि मेरी बात सुन लीजिए, मैंने कहा था कि लेजिस्लेचर के, लेकिन आपने उस पर बहस की। दूसरा हिस्सा जो अभी सुधांशु जी भी जिसके तरजे दिला रहे थे, देखिए अगर लोअर कोर्ट से कोई फैसला हो जाता है तो वो फाइनल फैसला कभी नहीं होता, और जब तक फाइनल इंसाफ ना हो आप किसी को ये इख्तियार नहीं दे सकते या किसी का हक नहीं छीन सकते कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा या उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। मफजल साहब, आप भी जानते हैं पार्लियामेंट में पहुंचना सर या असेंबली में पहुंचना एक मुश्किल काम होता है, और अगर किसी को 2 साल की सजा किसी लोअर कोर्ट से, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते लोगों को दूसरी राहत भी मिली है। जब वो राहत उसको उसका वो हक है, अगर उसको ना मिले और सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसको दोषी करार दे दे तो फिर जाहिर है कि फिर तो कानून का इतलाक होगा ही। मीम अफजल साहब, आप जरा जरा मेरे इस सवाल का जवाब फिर से दे दीजिए कि भाई ये गंभीर मसला है, समाज का हर तबका राजनीति के अपराधीकरण, सांसदों और विधायकों के आपराधिक चरित्र को लेकर परेशान, बेचैन और बेबस है, ये आम जनता की समझ है, और आज इसके जरिए आपने ये संदेश दिया है कि जल्दबाजी में कुछ लोगों को बचाने के लिए आपने अध्यादेश जारी किया, इस पे पूरे देश के अंदर बहस क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहस क्यों नहीं हुई? आप जल्दबाजी में अध्यादेश क्यों लेकर आ रहे हैं? देखिए आपको पूरा अख्तियार है, आप जो चाहे जजमेंट दे दें। जजमेंट देने वाले आप लोग हैं, आप लोग जजमेंट देते हैं। नहीं नहीं, हम जजमेंट देने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, हम जजमेंट देने वाला तो दूसरे लोग हैं, हम जजमेंट नहीं दे रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि अगर लेजिस्लेचर के जरिए से जो देश में मौजूदा कानून है अगर उसको बहस ये करिए आप। जी सुधांशु जी, जो बहस है वो ये है कि राजनीति में अपराधीकरण को कैसे रोकना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई एक जना भी इस बात में के पक्ष में है कि राजनीति में अपराधीकरण होना चाहिए। सब जने इसके पक्ष में नहीं, खिलाफ है, हर जना ये कोशिश करता है कि इसमें नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये है इसको रोकने के लिए कारगर कदम क्या होंगे। कारगर कदम इसका सबसे ज्यादा होगा कि इसके अपराधीकरण के जैसे ही मामले हो फास्ट ट्रैक में लेके जाइए। कानून ये होना चाहिए कि आप जैसे ही आपके खिलाफ आपराधिक मामला होगा वो फास्ट ट्रैक में होगा। टाइम बाउंड उसका कन्विक्शन होनी चाहिए, टाइम बाउंड फैसला होना चाहिए, जो कि हो सकता है। मैं ये कहता हूं क्या चीज है जिसकी वजह से ये 15-15 साल इनके खिलाफ मुकदमे चलने चाहिए, क्यों चलने चाहिए? चलिए आपकी बात, मैंने अभी आपसे कहा आपकी बात, कोर्ट में अपील, आप एडमिट ना करिए, आप कहिए डिस्पोज होगी, एडमिशन छोड़िए ना। सुधांशु जी, हाथ के हाथ जब मैं जाता हूँ ऑन मेरिट उसको लीजिए और डिस्पोज करिए, उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, महीने भर में जाऊंगा, उसको आप लीजिए हाथ के हाथ डिस्पोज करिए, कन्विक्शन को फाइनल करिए, उसको हटा दीजिए। अरे हम चाहते हैं, हम लोग जो राजनीति में लोग हैं हम शर्मसार हो रहे हैं जब अपराधी छवि के लोग यहाँ आते हैं। हम चाहते हैं कि भाई इनके अपराधी फर्ज तय हो ताकि हमें सुधांशु जी को साफ करने का मौका मिले। सुधांशु जी, उसको मौका इंसाफ के हिसाब से दीजिए, उसको इस तरह ना दीजिए। सुधांशु जी, अरेस्ट हो जाएगा, आप मेरी बात सुनिए, सुधांशु जी जेल में होगा, आप वो लड़ नहीं सकता। सुधांशु जी, एक दिन पहले अरेस्ट कर लीजिए, मैं चुनाव से नहीं लड़ूंगा। आप चुनाव को लेना क्या चाहते? अरे सुधांशु जी, आप इसका दुरुपयोग कर सुधांशु जी, हमें क्या व्यवस्था दुरुपयोग के हिसाब से बनानी है? सुधांशु जी, आपको रोका किसने है? 6 साल आपकी सरकार रही है, 6 साल आपकी सरकार रही, बाकी दिनों कांग्रेस की सरकार रही, किसने रोका? क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई आपने? प्रोसीजर जो है सुधांशु जी, ये 6 साल जो है एनडीए की सरकार 6 साल थी, एनडीए की सरकार 6 साल से डिस्पोज करना कानून में, समय कांग्रेस की सरकार थी। ये न्यायालय का जो चिंतन है, इस चिंतन में वो अपनी व्यवस्था के अंदर इसका इसका हल भी निकाल सकती है सर, अपनी ही व्यवस्था के अंदर इसका हल है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके पास हाई कोर्ट में इसको एडमिट ना करके डिस्पोज करने का हल है सर, उनके पास सुप्रीम कोर्ट में एडमिट ना करके डिस्पोज करने का हल है सर। मेरा कहना है सुधांशु जी, मेरी बात सुन लीजिए, हम शॉर्टन करके सोल्यूशन निकाले ठीक नहीं है सर। सुधांशु जी, आपकी सरकार 6 साल तक थी, बाकी समय कांग्रेस की सरकार थी, जो आप हमें बता रहे हैं वो आपकी सरकारों ने क्यों नहीं किया? सतबीर, ये सवाल मेरा आपसे है, क्यों ये लोग करने से डरते हैं? टीवी चैनल्स पे आके बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जब इनकी सरकारें थी क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, क्यों नहीं जुडिशियल रिफॉर्म्स किए, क्यों नहीं लीगल रिफॉर्म्स किए? सतबीर जी, आशुतोष जी मेरे को थोड़ा टाइम दो, इन्होंने सारा टाइम लेकर बातचीत करी है, सुधांशु जी या बाकी जो पॉलिटिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, एक सीनियर सिटीजन होने के नाते
और एक देश का सिपाही होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब गलत बोल रहे हैं। इनको लॉ का पहले ही नहीं पता लग रहा, ये तो कह रहे हैं कि अगर छोटी अदालत ने उन्होंने को दे दिया तो आगे से स्टे मिल जाएगा। आप मेरे को बताओ कि छोटी अदालत में का पूरा तत्व लगाने के बाद किसी को उम्र कैद होती है, मर्डर किया है, रेप किया है या सीरियस चार्ज है, तो क्या उसी वक्त पुलिस उसको अरेस्ट करके थाने में नहीं ले जाती, ले जाती सॉरी उसमें लेकर नहीं जाती, उसको कैद कर लेती है, उसको हथकड़ी लगा लेती है, और उस वक्त वो क्या आगे रिपोर्ट कर दे, आगे जाए, और अगर उसको फैसला मिलता है तो उसको ऐसा कानून बनाओ कि वो रिवोक हो सके और आ जाए। लेकिन जब तक वो कोई भी सजा काट रहा है, कोई हक नहीं होना चाहिए कि वो हमारे कानून बनाए। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वो जी अब 15 दिन के बाद वो स्टे ले आएगा? अरे इतना कुछ करने के बाद अगर 14 साल की सजा हुई है और अभी स्टे ले रहे हैं, ये मेरे लोग सुधांशु जी या दूसरे कौन सा ला पढ़ के मेरे को बता रहे हैं? हमने भी इस देश का ला पढ़ा है, ये गलत है। आज जो अध्यादेश लाया गया वो देश के लिए एक ब्लैक डे का एक ब्लैक फैसला है। ये सारे पॉलिटिशियंस मिलकर एक आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं? मैं इन सब से अपील करना चाहता हूँ, और मेरे देश के हुक्मरानों, जो मेरे पार्लियामेंट के ऐसे नुमाइंदे हो और मेरी पॉलिटिकल पार्टीज, प्लीज मेहरबानी करके ऐसे ला मत बनाओ जो आने वाला मेरा बच्चा आपके ऊपर मान ना करे और आपके ऊपर उंगली उठाए। क्या मैं ऐसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहता हूँ? सतबीर जी, सतबीर जी, सतबीर जी, सतबीर जी, सतबीर जी, ऐसा मत करिए। संजय जी, संजय जी, 30 सेकंड अपना अपनी बात रखिए। संजय जी देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आशुतोष जी कि अपनी सुविधा के हिसाब से बातें नहीं कहनी चाहिए। अब कह रहे हैं साहब लोअर कोर्ट से सजा हो गई, उसके बाद हाई कोर्ट में जाने का मौका है, सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका है। पहले तो आप जान लीजिए कि नेताओं के मामले में कितना तेजी से न्याय होता है इस देश के अंदर। 64 करोड़ का घोटाला था, 25 साल तक जांच हुई, 250 करोड़ रुपए जांच में खर्चा हो गया बोफोर्स के मामले में, नतीजा निकला जीलो। और चारा घोटाले में 16 साल लग गया आरोप तय होने में, सुखराम के मामले में 11 साल में फैसला हुआ, बंगारू लक्ष्मण के मामले में 8 साल के अंदर फैसला हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक अपराधी, अगर उसको लोअर कोर्ट से सजा हो गई, 25 साल के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ ये आदमी बलात्कारी था, तो 25 साल तक एक बलात्कारी देश की पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाए, पार्लियामेंट के अंदर बहस करे, ये क्या अच्छा है? इस ये अपनी सुविधा के हिसाब से खाली बातें की जाएंगी इस देश के अंदर? इसका जवाब मैं चाहता हूँ। संजय जी, क्या हत्या का आरोपी अगर उसको सुप्रीम कोर्ट 25 साल में सजा दे, 25 साल तक वो हत्यारा पार्लियामेंट में बैठा रहे, ये कहना चाहते हैं? जवाब दीजिए सर प्लीज। संजय जी ने जो बात कही, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसका सिर्फ इतना सा जवाब है कि वो ये समझते हैं कि सिर्फ सियासी लोगों के फैसले देर से होते हैं। इस देश के अंदर अदालतों से फैसले सिविल और क्रिमिनल जो केसेस हैं, आम आदमी को भी 20-25 साल लगते हैं, चूंकि वहां पर इतने ज्यादा केसेस हैं और जो प्रोसेस है वो इतना लेंदी होता है कि उसमें सिर्फ सियासतदानों से रिलेटेड जो केसेस हैं उस पर उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्हें जल्दी नहीं होना चाहिए, मैं उनके साथ हूं, जल्दी फैसला होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या कोर्ट के अंदर ज्यादा काम हो, जो भी हो। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात कही, आप ये देखिए कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके अंदर ये भी था कि जो शख्स थाने में बंद होगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस चैनल पर अदालत के इस फैसले पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं? अदालत का कोई फैसला होता है कभी उसके बारे में भी अपनी राय देनी चाहिए। और आज सब लोग मानते हैं कि ये बात सही नहीं थी और हम जो बिल ला रहे हैं वो ठीक है। हमने ये बात कानून को सामने रखकर एक नेचुरल जो लॉ है, साहब आई एम सॉरी सर, जो है सर वो आम आदमी तक पहुंचे उसको सामने रखकर के ये ऑर्डिनेंस लाए हैं। सर सर आप अगर उसको सुप्रीम कोर्ट सर हमें हमारा वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए हमें इस बातचीत को यहीं पे रोकना पड़ेगा। मैं पूरी इज्जत के साथ माफी चाहता हूं सुधांशु मित्तल जी, साथ ही मीम अब्दुल साहब, इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वक्त छोटे से ब्रेक है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह कि तमाम राजनेता अपने सांसदों को
पाक साफ मानते हैं, उनके खिलाफ किसी तरीके के आरोप को सही नहीं मानते, उनके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होते जब तक जनता की तीखी आवाज उनके कानों में नहीं पड़ती। ऐसे में जो सरकार का आज का फैसला अध्यादेश लाने का, उससे निश्चित रूप से बहुत ही गलत संदेश गया है और लोग इसको दूसरी नजर से ही देखेंगे।